सोलन में श्याम परिवार के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सोलन के श्याम परिवार सदस्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। ये कार्यक्रम सनातन धर्म मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। उपस्थित सदस्य ने माथे पर चंदन तिलक लगाकर कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर श्याम परिवार संस्था के अध्यक्ष त्रिलोक अग्रवाल ने भीम के पोते बबरी बाबा श्याम के बारे में उपस्थित सदस्यों को जानकारी दी। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष त्रिलोक अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा शोरूम में पहली बार संस्था का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जहां उन्होंने एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं लोगों को श्याम मंदिर के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य पूर्ण शहरवासियों को श्याम खाटू की विचारधारा से जोड़ना है, ताकि वे धर्म के मार्ग पर चलकर समाज कल्याण के लिए आवश्यक योगदान दें। उन्होंने बताया कि खाटू में स्थित बाबा श्याम के मंदिर में जो भी दीन दुखिया और जीवन से हारा हुआ व्यक्ति जाता है, उसकी हर मनोकामना वहां पूर्ण होती है। आज हमारे श्याम परिवार का वार्षिक उत्सव हम मना रहे हैं। एक साल पहले हमने इस संस्था का गठन किया था और हमारा उद्देश्य उस वक़्त बाबा श्याम का प्रचार सोलन में नहीं था। उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि हमारे सोलन में बाबा श्याम का प्रचार हो। बाबा श्याम का मंदिर जो भव्य मंदिर है वो खाटू जी में है। रिंगस से 16 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, वहाँ बाबा का दरबार है। और ये कहा जाता है जैसे बाबा हमारा है वो हारे का सहारा है। कोई भी प्रेमी, कोई भी दुखियारी जब इसके दरबार पे हार करके जाता है, वो वहाँ से जीत करके ही वापस आता है। वहाँ से खाली हाथ आज तक कोई नहीं आया। हमने इसकी एक छोटी सी संस्था को शुरू किया था। आज हमारे इस संस्था को बने हुए एक साल हो गया है और आज हम उसका वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आज हमारे साथ इसमें मेंबर जुड़ने लगे हैं। हमारा ये श्याम परिवार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा है और देख रहे हैं आप इसका वार्षिक उत्सव को कि किस तरह का वार्षिक उत्सव हम मना रहे हैं।